हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ कनेक्ट। मेरी इस जर्नी में आप भी मेरे साथ हैं और मुझे उम्मीद है आपकी भी जर्नी साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशनल चल रही है। और सक्सेस के ऊपर मुझे होमवर्क मिला था कि सक्सेस को मुझे कैसे लेना है, अंदर सोचना है अपने मन में कि एक्चुअल सक्सेस क्या है मेरे लिए, तो वो मैंने सोच लिया है। वेलकम कमल भाई, ओम शांति। तो सक्सेस को मैंने सोच लिया है और मेरे अंदर मिक्स थॉट आए हैं अगेन। यस, वर्ल्डली सक्सेस में मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी अभी मेरे दिमाग में है, पैसा भी है, बट उसके साथ साथ स्पिरिचुअल एलिवेशन भी आया है। क्योंकि मुझे वो नहीं छोड़ना, मेरा मन नहीं कह रहा, पर अच्छाई और स्पिरिचुअलिटी के ऑरा में रहते रहते बिना डोमिनेशन के मैं कैसे सर्वाइव करूँ इस वर्ल्ड में। अगर मुझे चाहे ऑफ वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, घर हो, कोई भी हो, कि मुझे क्योंकि डोमिनेशन से ना अंदर इरिटेशन आती है, right. तो कोई कला बताइए कि डोमिनेट ना हो पाए। बिल्कुल, देखो जब हम कई बार, जैसे पिछले एपिसोड में बात हो रही थी कि ऑफिस में या घर में जब हम अच्छे बनते हैं, है ना, ऑनेस्ट होते हैं या फिर हम सहन करते जाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कितना सहन करें, क्योंकि फिर सामने वाला एडवांटेज लेता है उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा लेते हैं। या कोई गलत बोल रहा है, हम शांत हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो कमजोर है। मुझे खुद, मैं कई लोगों के लिए ऐसी इमेज बना चुकी हूँ कि यार ये तो ले लेगा मेरी बात, बोल देती हूँ, बोल देते हैं, मैं फॉर ग्रांटेड ले लेती हूँ उस इंसान को। तो एक लाइन को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि आध्यात्मिकता का मतलब कमजोर बनना नहीं है। हाँ। नहीं तो कई बार हमारी इतनी सारी रॉन्ग डेफिनेशंस है ना, क्योंकि हमने कहाँ कहाँ से चीजें सुनी हैं और हमें लगता है कि आध्यात्मिकता मीन्स कुछ बोलना नहीं है, ये तो हम सबने है ना, कुछ बोलना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, या कुछ बात नहीं करनी है, सामने से जवाब नहीं देना है जी। इस प्रकार की चीजें, आध्यात्मिकता इज इक्वल टू गुड क्वालिटीज इज इक्वल टू बीइंग डोमिनेटेड इन द वर्ल्ड, हाँ, कमजोर हमने उसको लिया है ना। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आध्यात्मिकता का मतलब कमजोर होना नहीं है, आध्यात्मिकता का मतलब है अपनी शक्तियों को जागृत करना, अगर एक लाइन में बोला जाए ना। और उन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होना जो ये सोच रहे हैं कि हम अच्छे बन गए तो हम वीक हो गए। हाँ, लेकिन इंटरनली, अब दो चीजें हैं, एक है एक्सटर्नली स्ट्रांग होना, है ना, एक है इंटरनली स्ट्रांग होना। एक्सटर्नली स्ट्रांग हम कैसे दिखाएंगे अपने आप को, गुस्सा करके? हाँ जी, दो लोग हैं, बात पे टिके रहे, दो लोग हैं, एक व्यक्ति तेज बोल रहा है, हम क्या कहेंगे, उससे ज्यादा अपनी ट्यून को चेंज, ऊपर पिच बढ़ा देंगे, है ना, हम कहेंगे देखो मैं ज्यादा पावरफुल। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इंटरनली स्ट्रांग, कहां मुझे बोलना है, कहां नहीं बोलना है, ये नहीं कि सामने वाले ने एक बटन दबाया और मेरी आवाज चेंज हो गई जी, मेरा चेहरा चेंज हो गया, तो रिमोट तो, कंट्रोल हम दूसरे के हाथ में right, दे देते हैं, तो वो तो कमजोरी है ना, दैट इज नॉट पावर। तो मुझे अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि दूसरा व्यक्ति कुछ भी कर रहा है बट मुझे बोलना है, मुझे दुखी होना है या नहीं होना है, दैट इज इन माई कंट्रोल, मुझे कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो वो शक्ति आध्यात्मिकता से आती है। और फिर क्योंकि एक्चुअल में जब हम आध्यात्मिक रियल में होते हैं, एक है कि हमें लगता है कि हम आध्यात्मिक हो गए, हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट रियल में चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो तो वही व्यक्ति बता सकता है। मान लीजिए मैं 10 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ बट उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो मैं बता सकता हूँ ना, कि इंटरनली पता कैसे लगेगा कि मैं इंटरनली स्टेबल हुआ हूँ या नहीं, लोगों की बातें मुझे परेशान कर सकती हैं या नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि योगी की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, निंदा स्तुति सुख दुख हार जीत इसमें एक समान, मतलब कोई निंदा करे या स्तुति करे, नहीं तो हम क्या करते हैं, जब कोई स्तुति करता है मींस अप्रिशिएट करता अच्छा है, लगता है तो हम सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं, और कोई जब क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है तो नीचे चले जाते हैं, गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। यस, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस पर। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जो सही है वो मुझे करना है, एंड लोग अगर कह रहे हैं नहीं आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसका इफेक्ट मुझ, जो हमने पहले भी बात की कि उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं होना चाहिए, दैट मींस वो डोमिनेट ना कर पाए हम पर। और जब इफेक्ट हुआ तो दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन। यस, अगर हम पे इफेक्ट ही नहीं हुआ, हाँ, तो हम डोमिनेट ही नहीं हुए। एक बात आप भी इससे एग्री करेंगे कि लोग उन लोगों को परेशान करते हैं जो परेशान होते हैं। बहुत सही बोल रहे हैं, है ना, अगर आप परेशान नहीं होंगे
तो लोगों को परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक टाइम आएगा वो ये सोचेगा यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरी किसी बात का, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं इस पे। अच्छा वो स्ट्रेंथ है बेसिकली, नॉट रिएक्टिंग। एंड इसमें क्या होगा ना, कई लोग क्या करते हैं इंटरनली वो डिस्टर्ब होते हैं, सामने रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज सप्रेशन। तो ये भी है, हाँ वो गलत है। हमें क्या करना है, इंटरनली हम डिस्टर्ब ना हो। वो आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक लेवल पे ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और इन प्रैक्टिसेस से वो स्ट्रेंथ आएगी, मेडिटेशन से, नॉलेज से, सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्योंकि नॉलेज सुनी लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया अगर, हाँ जी, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा उसका नहीं होगा। हमने सुना, मान लीजिए सुना कि शांत रहना है जी, गुस्सा नहीं करना है, ये तो एक लाइन हो गई ना सिर्फ। अब ये जीवन में मेरे आएगा कैसे, आएगा जब इस पे मैं सोचूंगा थोड़ा सा। जैसे आपने बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्ट किया कि अच्छा गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे अंदर, गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गुस्से से मेरी हेल्थ पर ये इफेक्ट आ रहा है, तो इस ये चिंतन करने से क्या होगा, वो ज्ञान का पॉइंट मेरे जीवन में आ जाएगा, स्लोली आएगा बट आएगा, श्योर आपका कहना है। यस, और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आएगी और उस स्ट्रेंथ से सामने वाले को एक रिफ्लेक्शन ये जाएगा कि मैं डोमिनेट नहीं हो रही हूँ, मैं होंगी ही नहीं, मुझे किसी चीज का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और सपोज अभी वीक जब मेरी स्टेज है, जब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं किसी को बोल दूं अपने मन की कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो चलेगा कैसे? फिर से सपोज कि मैं, ये तो मेरी अच्छी स्टेज पे हो गया कि मैं इफेक्टिव होना बंद कर दूं, तो उसको लगेगा कि मैं डोमिनेट, सामने वाले होगा मैं डोमिनेट ही नहीं होंगी और मैं होंगी भी नहीं जेन्युइनली। पर जब तक ये प्रैक्टिस चल रही है, जब तक हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं, तब तक जैसे मेरे मन में मैंने सामने वाले को तो रिएक्शन नहीं दिया बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गुड, बट अब मेरा कोई क्लोज, कोई एनीबडी क्लोज रिलेशन, कैन आई टेल दैट यार आई एम ट्राइंग नॉट टू रिएक्ट बट आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। ये अगेन बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने इंटरनली हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बने, अभी बात चल रही है अंदर, तो इसको अगर हम सप्रेस कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, मतलब इसको हील नहीं करेंगे, तो हील तो करना है। हील करना। सबसे बेस्ट तरीका हील करने का क्या है, खुद से बात करना कि देखो उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बट ठीक है उसने जो कहा, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, आई एम पावरफुल। एक तो है अपने आप से बात कर दिया, कई बार अपने आप से बात नहीं कर पाते, हाँ जी नहीं कर पाते, तो किसी व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, बट वो हमें बहुत ध्यान रखना है किसके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमें वीक भी बना सकता है, स्ट्रॉन्ग भी। strong. कैसे? मान लीजिए मैंने किसी के साथ शेयर की बात कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, ऐसा कहा, अब एक व्यक्ति होगा वो कहेगा वो तो है ही खराब, और आप बिल्कुल सही हैं, तो हमारी ईगो बूस्टअप हो जाएगी। Definitely. दूसरा व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि ठीक है उसने जो कह दिया, बट आप क्यों इतने कमजोर हो, आपको क्यों हर्ट हो रहा है। तो वो व्यक्ति हमें स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है, लेकिन अगर हमने ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना शुरू किया जो खुद कमजोर है, तो हम और कमजोर होते जाएंगे एंड हम जस्टिफाई करेंगे अपने एक्शंस को। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, दैट वी शुड बी टेलिंग आवर ओन हार्ट स्टोरीज टू समवन हु इज स्ट्रॉन्गर देन अस, यस, हु कैन गिव आंसर्स एंड गाइड वेल, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि हाँ वो तो खराब है, आप बिल्कुल सही है, और मेरी बातों में ही अगर हाँ में हाँ मिला दी तो मैं तो और ज्यादा हम उससे एग्री, हम जस्टिफाई करेंगे ना अपने एक्शंस को, हम कहेंगे बिल्कुल ये तो गलत है, मैं अच्छी हूँ और ये मेरा तरीका सही था, गुस्सा करना इस व्यक्ति पे तो गुस्सा करना ही चाहिए था, तो हम उससे एग्री कर जाएंगे। प्रैक्टिकली जो माय एज ग्रुप पीपल और द यंगर देन मी, द स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स एंड द एल्डरली पीपल आल्सो, सबके लिए ये फॉर्मूला बहुत मेरे को लग रहा है यूजफुल है, सबके लिए, बहुत यूजफुल है, क्योंकि हर जगह है ना, स्कूल में भी ऐसा है, स्कूल में भी कुछ लोग होंगे जो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे उसकी, उसकी सेल्फ एस्टीम को, उसकी हाइट के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसकी एजुकेशन, पैसा, उसकी फैमिली शायद अच्छी नहीं है, उसके बारे में वो करेंगे, तो आई शुड बी पावरफुल। ऐसा नहीं कि मैं रोना शुरू कर दूं कि देखो मेरी हाइट के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो तो होगा। ये कलयुग, हमने जो बात की कलयुग में, डोंट एक्सपेक्ट सतयुग, ऐसा नहीं होगा कि सब आपको अप्रिशिएट करेंगे और सब अच्छा अच्छा बोलेंगे और सब आपको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें होंगी, इसमें मुझे अपने आप को डिटैच करना है। इन सारे एज ग्रुप में जो यूथ एज ग्रुप है, ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे है। अगर मैं आपके बातों पर एजुकेट हो जाऊं तो मैं अपने से छोटे को भी राइट वेल गाइड कर सकती हूं, एजुकेट कर सकती हूं,
और अपने से बड़ों को भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल एज यूथ बड़ी। और इसमें क्या होता है ना, देखो बच्चे जो होते हैं शायद उनका अभी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं होती है, ज्ञान को समझ पाए ज्यादा, कन्विंस करना इजी है। हाँ ये भी हम कह सकते हैं, बट जो यूथ है तो इसमें क्या होगा, अगर आपने अभी से संस्कारों पर काम करना शुरू किया तो वो परमानेंट जल्दी हो जाते हैं, है ना, तो वो एक डेवलपमेंट टाइम है ये वाला, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और वैसे तो हर टाइम बेस्ट होता है, कोई 60 इयर्स का भी अगर सुन रहा है तो वो सोचे कि अरे मैं यूथ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पहले यूथ में जब होते ना तब मिलता तो हम कुछ करते, नहीं जब भी हमें मिला, जब भी हमें समझ आया, परिवर्तन का कोई एज नहीं होता है, जो चेंज होना चाहता है वो कभी भी हो सकता है, बट फिर भी कंपेयर अगर हम करें तो जितना जल्दी हम करेंगे इट विल बिकम, इट विल बी वेरी इजी। पता है कि हमारी एज ही कितनी है, फॉर दैट मैटर हमें क्या पता है। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, जब मैं इस यात्रा पे शुरू हुआ तो हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि आप अभी से ही इस यात्रा मतलब स्पिरिचुअल हो गए हैं, अभी तो आपकी एज ही कितनी है, तो मैंने पूछा कि कितनी एज होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला 60 इयर्स के बाद होना चाहिए, तो वो डॉक्टर हैं थे भी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, बोले 62। मैंने कहा फिर आपने शुरू क्यों नहीं की, उन्होंने बोला आई डोंट हैव टाइम। तो टाइम किसी के पास नहीं है आज। और क्या ये जो जैसे संन्यास कहते हैं ना 60 के बाद, तो हम संन्यास को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं मुझे लगता है, राइट। और इसमें ना देखो जो पहले, अभी अगर हम 1000, 2000, 3000 साल पहले जाए तो वो एज उस समय अलग थी, जैसे 25, 25, 25। आजकल 100 इयर्स तो एज भी तो नहीं होती नहीं है। अब मान लीजिए किसी की 40 इयर्स में ही शरीर छोड़ देता, आजकल तो 20, 25 में भी छोड़ देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली 25, 25 के चार वो हैं। हाँ मतलब ऐसा कहते हैं, बट अभी अगर समय को देखें हम तो आप कोई भी एज में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर चलें, आप काम भी करें, जॉब भी करें, पढ़ाई भी करें, बट एक घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना, जिसमें हम ज्ञान सुने, बैठे थोड़ा चिंतन करें कि मुझे करना क्या है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है, क्या किताबें पढ़नी है, मोबाइल पे बहुत कुछ है, उस पर कैसे मैं फिल्टर लगा सकूं, वो तो खुद के साथ बैठना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद एज, नो, इट्स फॉर चिल्ड्रन आल्सो, इट्स फॉर यंगस्टर्स आल्सो। जो हमने पहले बात की, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, पहले वो समझना है, मतलब खुद को जानना, खुद को जानना, खुद को जानना, तो आप जब जब आपको समझ आए तभी जानना चाहिए खुद को, और जितना जल्दी जानना उतना इट विल बिकम इजी एंड आवर लाइफ विल बी इजी। क्योंकि अगर बचपन में मैंने प्रैक्टिस ये कर ली होती तो आज मैं शायद और अच्छी स्टेट में होती। आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, और गाड़ी चलानी सीखी नहीं हमने, हमें ये भी नहीं पता ब्रेक कहाँ है, ये सब कुछ कहाँ है, तो क्या होगा हमारी जो जर्नी है, सोचो आप गाड़ी में आपको बिठा दिया जाए चलती हुई गाड़ी में, और आपको ब्रेक भी नहीं पता है, रेस भी नहीं पता है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, और वो जर्नी बहुत अनकम्फर्टेबल होगी। तो ऐसी जीवन है, हमें ये जीवन मिल गया है एंड हमें पता ही नहीं है मन को शांत, मन को ब्रेक कैसे लगानी है, कब चलाना है उसको, मुख को कब चलाना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ब्रेक कब लगानी है, तो लाइफ कितनी मुश्किल हो गई यार। स्पिरिचुअलिटी को रियल सेंस में प्रैक्टिस ना करने की वजह से वह छोटी उम्र से कई एक्सीडेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेटर है कि जितनी अर्ली एज में शुरू करें तो वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट्स ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल, और इसमें ऐसा है ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो एक तो है कि हमारी गाड़ी चल रही है, जैसे नए लोग जब चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं, वो खाली मैदान पे जाते हैं, कोई आ ना रहा हो, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ में क्या होगा, रॉन्ग साइड से भी आएंगे लोग, ओवरटेक भी करेंगे, ओवर स्पीड भी करेंगे, है ना, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो उसमें मुझे अपने पर ध्यान देना है, अगर सामने से गलत भी आ रहा है कोई तो हम क्या करते हैं, सोच के देखिए, सामने से गलत आ रहा है तो हम ऐसा थोड़ी गाड़ी उसके बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा, हम बचाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बचाते हैं, चाहे हमें कच्चे रास्ते पर भी उतरना पड़े। तो ऐसी जीवन में है, कोई गलत बोल रहा है हम क्यों फंसे उसमें, हम क्यों अपना कार्मिक अकाउंट बनाए वहां पर, तो हमें उससे डिटैच होने की कोशिश करनी है, उससे अलग होने की कोशिश करनी है। ये कार वाला और रोड वाला जो एग्जांपल है ये बहुत एप्ट लगा है मुझे लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, कि जब हम रोड पे इतने सतर्क हैं एक्सीडेंट से बच जाएं, तो अगर हम लाइफ में इतने सतर्क हो जाएं कि हम एक्सीडेंट से बच जाएं, और उसके लिए ट्रेनिंग पहले ले लें, अच्छी ड्राइविंग की ट्रेनिंग पहले ले लें, जितनी जल्दी ले लेंगे उतना बेटर अपने लिए ही होगा। तो स्पिरिचुअलिटी को उस सेंस में, इन द रियल सेंस में ग्रास्प करें अपने अंदर, ना कि उसको संन्यास या किसी और चीज से रिलेट करें। ईजी है स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल में हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी। यस, हमारे माइंड में इतनी इमेज है ना कि
कि ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, उन बातों पे ज्यादा ये बाहर एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो चीजें हैं, हमें इंटरनली काम करना है। एक्सटर्नली जो इजीली हो जाए, तो ये वाइट कपड़े हैं पहन चेंज करना है, ये एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल चेंजेस क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। मतलब आपके कहने का मतलब स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड चेंजेस से जिससे इफेक्ट पड़े हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद इंटरनल, इंटरनल स्टार्ट होता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसका इफेक्ट फिर एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल चीजें चेंज कर भी क्या इफेक्ट होता है या नहीं होता है इन चीजों पर। ओके, सो शुड आई बी प्रैक्टिसिंग दिस फॉर नेक्स्ट टिल नेक्स्ट वीक दैट टिल वी मीट अगेन, कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को चेंज करके। हाँ, इसमें आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें एक्सटर्नल, जो हमने पहले भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है इस पर उसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल सिचुएशंस का इफेक्ट मेरी इंटरनल स्थिति पर ना आए, और अपने आप को एक थॉट देना है, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। तो मैं तो ये जरूर प्रैक्टिस करूंगी और मैं आपको जेन्युइन बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहूंगी कि आप सब मेरे साथ साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट करें, ट्रस्ट मी यू विल सी अ वेरी गुड चेंज इन योरसेल्फ। लेट्स फॉलो द जर्नी टुगेदर, एंड कमल भाई इज देयर टू गिव अस अ गुड डायरेक्शन इन लाइफ। थैंक यू सो मच कमल भाई, ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति।